उधर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पलटवार किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी ने कमान संभाली हुई है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कमान संभाली हुई है। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। हुगली में पीएम मोदी की रैली के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यहाँ रैली की। इस दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि बंगाल उतना आसान नहीं है, विधानसभा चुनाव की गोलकीपर मैं हूँ और बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। दरअसल पीएम मोदी ने हुगली के डल्लब ग्राउंड की रैली में कहा था कि बंगाल को टोला मुक्त और रोजगार युक्त बनाएंगे। पीएम ने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोला बाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। इसी मैदान में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम के इस आरोप पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि आप टीएमसी को टोलाबाज कहते हैं, लेकिन आप सबसे बड़े दंगाबाज हैं। ममता ने कहा कि 5 रुपए वालों को आप टोलाबाज कहते हैं, तो जो पूरा देश बेचता है उसे क्या कहा जाए, कैट मनी या रेट मनी? सब टोलाबाज, तृणमूल कांग्रेस टोलाबाज, और आपने की आपने तो सबसे बड़ा दंगाबाज, धंधाबाज, टोलाबाज। टोला तो ताके बोले जे 5 টাকা 10 টাকা তোলে তাকে বলে টোলাবাজ, আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন টোলাবাজ? আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से की गई सीबीआई की पूछताछ पर भी बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। ममता ने कहा कि बीजेपी को देखिए, वहां महिलाएं ही सुरक्षित नहीं, महिलाओं से बीजेपी में ना जाने का आह्वान भी किया गया। ममता ने कहा कि वहां महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता, जबकि हम अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, बंगाल माँ की धरती है। आपको बता दें, बंगाल में इन दिनों चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही सीबीआई भी खासी एक्टिव दिख रही है और उसके निशाने पर टीएमसी आ गई है। हालांकि टीएमसी से राजनीति से प्रेरित बता रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।